हेलो दोस्तों, दिस इज अज़ाज़ इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, बिल्कुल टिकी ऐप्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट्स आ गया है। अब आप कहेंगे, सर आपका ये वीडियोस थोड़ा सा लेट क्यों आ रहा है? मुझे मालूम है, जो मुझे पसंद करते हैं वो मेरे वीडियोस का ही वेट करते रहते हैं। कल एक वीडियोस पे अपडेट आया था एमएस टकाटक को लेकर, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग किस तरीके से मिलेगा उस पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना एजाज इंजीनियर चैनल पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, टिकी ऐप्स पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक अपडेट आया, नहीं चार अपडेट आया है इसमें। अब आप बोलेंगे चार अपडेट, हाँ, जो एप्लीकेंट है उन्हें क्या अपडेट आया है, जो व्हाइट टिक है उन्हें क्या है, जो ग्रे टिक है उन्हें क्या है, और जो ब्लू टिक है, मतलब गोल्डन टिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे ये भी अपडेट आया क्या? बिल्कुल। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरा वीडियोस का इंतजार कीजिए और मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देख रहे हो। तो चलो डायरेक्टली चारों अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफी ऑसम होने वाले, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। अब मैं डायरेक्टली आपको मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ और इसे कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट। ओके, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है। हाँ, सबसे पहले मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। यस, वॉल्यूम कम होना चाहिए ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर जाके अपडेट ज़रूर चेक कर लेना, टिकी ऐप्स का कोई अपडेट तो नहीं आया। क्योंकि अगर आप एक भी अपडेट मिस करते हैं तो कोई भी नया जो फीचर्स आएगा आपके इसमें इनेबल नहीं हो पाएगा, तो अपडेट करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने टिकी ऐप्स अपडेट कर लिए है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहीं से इसे ओपन कर लेते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, मेरा ध्यान से बात सुनना, एक एक चीज़ में जो आपको बताऊँगा। देखिए, अभी कितने दिन बचे हैं? बिल्कुल 7 दिन बचे हैं। ओके, 7 दिन मतलब डायरेक्टली सेप्टेम्बर लग जाएगा। सेप्टेम्बर में न्यू रूल्स, उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाया, कौन कौन से नए रूल्स बदलने वाले, 4 नए रूल्स आने वाले हैं, मेरे वीडियोस बनाया है। अगर आपको ये वीडियोस देखने के बाद प्रोफाइल पे जाके वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। टिकी ऐप्स थोड़ा सा पेमेंट कम कर दिया है, पर जेन्यून है, आपको पैसा आपके अकाउंट में बिल्कुल दे रहा है। 7 से 14 दिन लगते हैं आपके पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं फॉलो पे जाता हूँ, फ्यूचर स्टार पे जाता हूँ, यहाँ पर तो वो लोग हैं जिन्हें व्हाइट टिक मिल चुका है। जैसे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सभी लोगों को व्हाइट टिक मिला है, और जिसका रैंक होता है तो उनके वीडियोस टॉप पर दिखाई जाते हैं जिन्हें आप स्टार दे सकते हैं। पर जो एप्लीकेंट है उनके लिए क्या है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, रूल्स पे जाते हैं, और उसके बाद नीचे में ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, ज्वाइंट पे जाते हैं, और उसके बाद नीचे में आपको क्रिएटर हब दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं क्रिएटर हब पे जाता हूँ तो वहाँ पर आपको इस टाइप से एक पेज दिखाई देगा, जैसे कि मैं आपको साइड में शो कर रहा हूँ। ओके, हाँ एजाज इंजीनियर, देखा, फिनिश दिस स्टेप टू गेट मोर लाइक्स एंड अनलॉक द वेरिफिकेशन सिस्टम। वेरिफिकेशन सिस्टम के लिए ये नया एक अपडेट्स आया है, कंप्लीट द एग्जाम चैलेंज। एग्जाम चैलेंज कंप्लीट करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द एग्जाम चैलेंज। ये एक नया है एप्लीकेंट के लिए, मैं बात कर रहा हूँ जिन्हें व्हाइट टिक तक नहीं मिला है, व्हाइट टिक के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये है एप्लीकेंट के लिए जो एक नया अपडेट्स आया। उसके नीचे सेकंड अपडेट है, पास द क्रिएटर प्रोफाइल रिव्यू। क्रिएटर प्रोफाइल रिव्यू पास कर रहा है, यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंडर रिव्यू, प्लीज़ वेट पेशेंटली, ठीक है। आपको वेट करना है, आपका अंडर रिव्यू में है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ये तो उनके लिए है जो एप्लीकेंट है जिन्हें व्हाइट टिक भी नहीं मिला है। अब व्हाइट टिक वालों के लिए क्या है, ठीक है। अब व्हाइट टिक वालों के लिए भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ से वापस आता हूँ, यहाँ पर आपको पूरे वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं फॉर यू पे भी। ओके, यहाँ से मैं जाता हूँ स्टार पे, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर 3 डॉट ऊपर में आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें व्हाइट टिक मिल चुका है। 3 डॉट के बाद क्रिएटर हब्स, क्रिएटर हब्स में आप जैसे जाते हो आपको यहाँ पर सब चीज़ें दिखाई देती है। पोस्ट, यहाँ पर वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट 7 दिन, समझ लो 26 तारीख को आया है, 7वां दिन आपका 1 सितंबर रहेगा, उसी दिन रिजल्ट होने वाला है। जिसको व्हाइट टिक मिला उसके बाद उन्हें ग्रे टिक मिलेगा, ठीक है। टाइम डिसाइड था, पहले से डिसाइड था कि भाई लास्ट का 1 हफ्ते पहले एक नया अपडेट्स आने वाला है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी बताया, आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट लास्ट 7 डेज, पोस्ट 4 क्वालिटी वीडियोस, 4 क्वालिटी वीडियोस आपको पोस्ट करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2, 4 में से 2 क्वालिटी वीडियोस आपने पोस्ट कर चुके हैं। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप 2 क्वालिटी वीडियो डायरेक्टली गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपका कैमरा, ठीक है, सेल्फी कैमरा आ जाएगा, आपको क्या करना है, डायरेक्टली इससे शूट करने का है। अपलोड पे जाकर जो पुराना है उसे अपलोड मत कर देने का, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिस्क क्यों ले रहे हो? जब उन्होंने कहा कि भाई टिकी कैमरे से आपको शूट करने का, वो चेक करना चाहेंगे होस्ट फेस आप ही हो या नहीं,
तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जिसका व्हाइट टिक का व्हाइट टिक रहेगा आपको ग्रे टिक नहीं मिल पाएगा। गलती मत करना, गो पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट कैमरे से ही बनाना। फेलियर टू द कंप्लीट द वीकली मिशन फॉर टू कंसेक्यूटिव वीक विल फ्रीज योर लेवल एंड राइट। लगातार दो बार अगर ये इस तरीके से वीकली कॉन्टेस्ट में फेल होते गया तो डायरेक्टली उनका फ्रीज कर दिया जाएगा। ओके, ये तो हो गया है व्हाइट वालों के लिए, पर ग्रे में जाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा व्हाइट वालों के लिए? देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, फिनिश दिस टास्क एंड वीडियो क्वालिटी रिव्यू सक्सेसफुली टू बिकम ए ग्रेवी। ओके, 61% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, रिव्यू करने के लिए 100% होना जरूरी है। डाटा डेली दूसरे दिन की बात करो 1 बजे अपडेट हो जाता है, जितना आपको मिला उतने परसेंट बढ़ेंगे, पर आपको 7 दिन के अंदर 100% करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें 4 पोस्ट है मान के चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्वालिफाइड वीडियोस, 2 वीडियोस मैंने अभी शो किया है, तो 2 वीडियोस आपको डालना है, 4-8 वीडियोस में से 2 वीडियोस है, 6 वीडियोस डालने का, 2 वीडियोस वहाँ पर कंप्लीट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे आप, 4 वीडियोस आपको यहाँ पर कंप्लीट करने का है डायरेक्टली आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 7 दिन के अंदर। ओके, सेकंड है रिप्लाई टू कमेंट्स, 10 कमेंट के रिप्लाई करना चाहिए था, इन्होंने 12 कमेंट के रिप्लाई कर दिया, मतलब डन है इनका। ओके, उसके बाद है नीचे में लाइक रेशियो। भाई देखिए व्यूज तो कितने भी ले लोगे आप, पर सामने वाला बंदा वीडियोस को लाइक भी करना चाहिए, इसलिए आप, मैं हमेशा कहता हूँ ना, वीडियो को जम के दबा के लाइक कर दो, तो भाई लाइक कर दो एक यार, ठीक है। हाँ, तो लाइक रेशियो कितना है, 9% होना चाहिए था इनका, ठीक है, पर इनको 4.3%, मतलब 48%, मतलब आधे से थोड़ा सा कम ही है, 50% भी नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, तो इनको क्या करना है और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो लाइक रेशियो बढ़ जाएगा इनका। उसके बाद नंबर ऑफ स्टार चाहिए थे 100, इनके पास था 563, डन, बिल्कुल सही। तो 2 तो डन हो गए, 2 बचे हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक पे क्लिक करता हूँ, टू फाइंड द लाइक रेशियो ऑफ द वीडियो फ्रॉम द लास्ट 7 डेज, लाइक रेट ऑफ द रेशियो इक्वल टू लाइक्स प्लस व्यूज। व्यूज ज़्यादा आ रहे, लाइक्स कम आ रहे, अगर अंदाजा पकड़िए आपके इसमें व्यूज कितने आ रहे हैं, 100, और लाइक आ रहे हैं आपके इसमें 80, अरे फिर तो आपकी निकल पड़ी, ठीक है। तो रेशियो चेक किया जाता है, स्टार्ट काउंटिंग व्हेन द नंबर ऑफ द प्लेस इज ग्रेटर देन 300। लर्न क्रिएटिविटी स्किल, आप यहाँ पर जाने के लिए क्लिक करके उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया है, टॉप क्रिएटर टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, हाँ ये तो हो गया। अगर आप यहाँ पर प्रोमोट पे क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ द पब्लिक वीडियो शेयर इन लास्ट 7 डेज लॉन्गर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से बड़े ही वीडियोज़ बनाना, मैं हमेशा कहता हूँ 10 सेकंड से बड़े वीडियोज़ बनाने में फ़ायदा ये रहता है कि भाई 3 सेकंड तक अगर कोई बंदे ने आपका वीडियोज़ देखा 3 सेकंड से ज़्यादा, रिकमेंड होगा, फॉर यू पे दिखाया जाएगा, और 7 सेकंड से ज़्यादा देखा फिर तो भाई वायरल, फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके। ओके, डुएट वीडियो वॉन्ट बी कंसिडर, हाँ डुएट वीडियोस नहीं होंगे, सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है, आप सिर्फ डुएट बना के अरे वाह ऐसा कर करके लाइक्स व्यूज़ ले लेंगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर पब्लिश कर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएंगे आपकी वीडियोस, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ ये तो ग्रे टिक वालों का है यार, अब जिन्हें ग्रे टिक मिला और जिनको ब्लू टिक मिलने वाला है उनके लिए क्या है, उनके बारे में भी सर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं क्यों हूँ, मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे तो यहाँ पर बंद कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, इसे बंद कर दिया। हाँ, पर अगर साइड में आपको दिखाई दे रहा है जिन्हें ग्रे टिक मिल चुका है, जैसे कि प्रहलाद है, ये बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, हाई क्वालिटी वीडियोज़, एक ही बार में मेरे रूल्स फॉलो करते थे, डायरेक्टली उन्हें ग्रे टिक मिल गया। मैं हमेशा आपको कहता हूँ मेरे रूल्स फॉलो किया कीजिए, 1-2 बार में ही हार नहीं मानना है, ठीक है। आपको यहाँ पर शो हो रहा है इजिली, मैं आपको यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ साइड कर करके, देखिए इनके इसमें भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, नंबर 21 पे है ये फ्यूचर स्टार ग्रे टिक है, 50 नंबर पे बने रहेंगे 7 दिन और डायरेक्टली इन्हें ब्लू टिक मिल जाएगा, पर ब्लू टिक के लिए भी उन्हें कुछ वीडियोस पोस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इनके इसमें साइड में दिखाई दे रहा है डाटा एनालिटिक्स, 1.34 मिलियन प्ले हो गया, वीकली टेस्ट पोस्ट, 4 क्वालिफाइड वीडियोस डालना है, 2 वीडियोस डाल चुके, गो पे क्लिक करेंगे कैमराज दिखाई जाएगा, ठीक है, उसमें 2 वीडियोस आपको शूट करेगा, पर इनके इसमें वो जो 6 वीडियोस थे ना, नेक्स्ट स्टेप वो नहीं है, वो ग्रे टिक वालों के लिए है, इन्हें ग्रे टिक मिल चुका, ये ब्लू टिक में जाएंगे। तो यहाँ पर फेलियर टू द कंप्लीट ऑफ द वीकली 2 कंसेक्यूटिव, उसके बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, ये तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। पर अगर मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ब्लू के लिए क्या दिखाई दे रहा, पार्टिसिपेंट इन द राइजिंग स्टार फॉर द चांस टू बिकम ए ब्लू वी, गो टू द राइजिंग स्टार। अगर मैं राइजिंग स्टार पर डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो वो मुझे क्या करेंगे, डायरेक्टली राइजिंग स्टार पर लेकर आ जाएगा। ये राइजिंग स्टार दिखाई दे रहा आपको, हाँ यस, यहाँ पर लेके आ गया। अब क्या करना है, कुछ टेंशन नहीं है, इसमें से 50 लोग मान के चलिए, 50 50 50, ये ठीक है, यहाँ तक आदित्य, श्रेय आदित्य नाम है, तो नेहा खान से ऊपर, तो इन लोगों को क्या मिलेगा, ब्लू टिक दिया जाएगा। और जो ब्लू टिक है लास्ट के 250 से 300 कहाँ गए भाई, तो मेहनत नहीं कर रहे ना, अब बैठे हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हो, 250 250 250, ये देखिए 250, एम आई 1929, 250 से 300 बस,
इन लोगों का न्यू ईयर से न्यू सितंबर से बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ से इनका कटने लग जाएगा। अभी तो ठीक चल रहा है इनका, पर इनका डायरेक्टली हट जाएगा, मतलब इसके नीचे के सब लोग, 250 के नीचे के सब लोग हट जाएंगे, ग्रे टिक में वापस आ जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया है। और उसके बाद हाँ, ब्लू टिक, जो लोग को ब्लू टिक मिल चुका है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा, वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाता है, उन्हें गोल्डन टिक दिया जा रहा है। 1 मिलियन तो फॉलोअर्स हो चुके हैं, पर उन्हें भी कुछ वीडियो पोस्ट करने का है। इनका कहने का मतलब ये, जो हम आपको वेरीफाइड अकाउंट दे रहे हैं ना, वो वेरीफाइड नहीं है, पॉपुलर क्रिएटर है, ब्लू टिक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलना है। तो वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर दीजिए, दबा के भाई के लिए शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एज़ाज़ इंजीनियर, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।